ज़िले विकाराबाद के तांडूर असेंबली हलके के करण कोट के मुख्तलिफ सनतों में काम करने वाले झारखंड बिहार समेत दीगर रियासतों से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन 200 से ज़ायद मज़दूर तांडूर से पैदल सफ़र करते हुए विकाराबाद पहुँचे। विकाराबाद पहुँचने पर अहदेदारों ने उन्हें समझाया, लेकिन वो अपने इलाकों पर जाने के लिए बज़िद दिखाई दिए। इन मज़दूरों का कहना था कि हैदराबाद से ट्रेनों का इंतज़ाम हो जाए तो वो अपने घरों को पहुँच जाएँगे। इन मज़दूरों ने इंतज़ामिया से मुतालबा किया कि वो उन्हें फ़ौरी अपने आबाई मुकाम पर वापस भेजने के लिए इंतज़ाम को यकीनी बनाएँ। विकाराबाद पहुँचने पर विकाराबाद बल्दिया के साबिका चेयरमैन सी रमेश और इंसानी हमदर्दी रखने वाले चंद नौजवान जवानों ने इन मजदूरों में बिस्किट पैकेट्स और पीने के पानी का इंतजाम करवाया। देखिए लॉकडाउन है सर, यहाँ काम भी नहीं चल रहा है सर, हम लोग के बहुत परेशानी और दिक्कत है सर, खाने पीने के लिए रहने के लिए भी रूम किराया भी यहाँ परेशान कर रखा है सर। आज सर कोरोना बीमारी के चलते तो लॉकडाउन है, तो इधर भी मरना है सर और उधर भी मरना है, तो उधर भी मरेंगे तो साथ में मरेंगे ना सर, घर का पूरा फैमिली के साथ में ना मरेंगे, इसलिए सर हम लोग घर जाना चाहते हैं। किधर? झारखंड। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? हम लोग सर करण कोट से आ रहे हैं सर। हाँ। तांडूर से सर। तो क्यों जो है ना आप पैदल जा रहे? क्या करें सर, हम लोग को कोई भी यहाँ सुविधा नहीं मिल रहा है सर, यहाँ का हेमंत सरकार है जो मुखिया है वो भी नाम हाँ। कुछ भी हम लोग को यहाँ सुविधा नहीं मिल रहा है। हाँ। तो हम लोग क्या करेंगे सर, हम लोग कोरोना से तो पहले सर भूखा मर जाएंगे। क्यों क्यों सर, खाने के लिए भी कुछ भी नहीं मिल रहा है ना सर। भूखे जो है ना क्यों मरते? सर हम लोग घर जाना चाहते हैं। घर में जाएंगे तो हमारा सब घर का फैमिली से भी तो बातचीत हो जाएगा, भेंट मुलाकात हो जाएगा सर। हम लोग 1.5 महीना से बैठे हुए हैं, इसलिए सर हम लोग घर जाना चाहते हैं सर।